Hello kids, welcome to our science class for class 1. I am Shivangi Sharma, your science teacher. Now let's start discussing about chapter 1 of class 1, which is living and non-living things. तो बच्चों आज के क्लास में हम क्लास 1 के चैप्टर 1 लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं अपार्ट फ्रॉम द फैमिली यानी कि हमारी फैमिली के अलावा हम मनुष्यों के अलावा इस दुनिया में ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारे जो इन्वायरमेंट है चारों तरफ के, वो बहुत खूबसूरत और वंडरफुल है। और इस ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स में हम ढेर सारी अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। जैसे हम अपने अगल बगल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हमें मिलते हैं। तो उन चीज़ों में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो लिविंग्स होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, जिनमें जान होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको जहाँ रख दो उसी जगह पर रह गए, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई लाइफ नहीं होती। तो उन्हीं चीज़ों को हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स का हिंदी मीनिंग होता है सजीव वस्तुएं की वैसी चीज़ें जिनमें जीव होती हैं, जान होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सजीव वस्तुएं। थिंग्स दैट हैव लाइफ एंड कैन ग्रो इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। यानी कि वैसी वस्तुएं जिनमें जान होती हैं और वो बढ़ सकते हैं, एक छोटे से बड़े हो सकते हैं, उन्हें ही हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल हम अपने घर में ही ले लेते हैं। हमारे घर में हम डेली लाइफ में छोटे छोटे बिल्ली देखते होंगे, हम खुद हैं, हमारे मम्मी पापा दीदी, हमारे सिस्टर, हमारे ब्रदर्स, कजिन्स, ये अंकल आंट, ये सब जो है लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सब जो है एक ग्रो कर सकते हैं, इनमें लाइफ होता है। तो आई होप कि आप लोगों को लिविंग थिंग्स अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का हिंदी मीनिंग होता है निर्जीव वस्तुएं, यानी कि वैसे थिंग्स जिनमें कोई जान नहीं होती और वो ग्रो नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स दैट डज नॉट हैव लाइफ एंड कैन नॉट ग्रो इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि वैसी वस्तुएं जिनके पास लाइफ ना हो और वो ग्रो ना कर सके, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में देख लो, आप छोटे छोटे बच्चे हो, आप डेली लाइफ में बैट बॉल खेलने जाते, वो जो बल्ला होता है उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई जान नहीं होती है, तो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। आप बल्ले को जब दुकान से लाते हो तो जितनी साइज का शुरू में रहता है, एक साल बाद भी, वन ईयर लेटर भी हो, उसी साइज का रहता है। यानी कि दे कैन नॉट ग्रो और दे डोंट हैव लाइफ, सो दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। एनी अदर्स एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कूलर, टॉय, फ्रिज, टीवी, फैन, बेड, etc. तो अब जब हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो अब हम इन दोनों के बीच का अंतर समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे, वैसी चीज़ें तो जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिविंग थिंग्स के, बारी बारी से हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर्स के बारे में जानेंगे और डिटेल से। तो लिविंग थिंग्स का सबसे पहला फीचर है आपका, यानी कि सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है दे हैव लाइफ, यानी कि उनके पास जीवन होता है, लाइफ होता है, जैसे सांस, दे ब्रीथ, दे ग्रो, दिस इज द साइन ऑफ लाइफ इन अ ह्यूमन बॉडी और अ बॉडी। यानी कि जब हम सांस लेते हैं और जब हम हमारे शरीर में फिजिकली ग्रोथ होता है, वो क्या है, हमारे अंदर जीव की निशानी है। तो लिविंग थिंग्स का सबसे पहला फीचर है दे हैव लाइफ। वही नॉन लिविंग थिंग्स, दे डू नॉट हैव लाइफ, उनके पास कोई जीवन नहीं, दे डू नॉट ब्रीथ, दे डू नॉट ग्रो, सो दे डू नॉट हैव लाइफ। नेक्स्ट फीचर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग थिंग इज दे कैन मूव, वे एक जगह से दूसरे, लिविंग थिंग्स जो हैं एक जगह से दूसरे जगह खुद ब खुद जा सकते हैं। जैसे कि आप
आप एक बॉय हो या गर्ल हो, आप खुद ब खुद उठकर जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, आप एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद महसूस होती है। उसके जस्ट अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट मूव, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद नहीं जा सकते। एज ए एग्जाम्पल योर टॉयज, टॉयज जो है जब तक आप उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखते, वो खुद ब खुद वहाँ चलकर नहीं जाते। नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स दे कैन ग्रो, वे बढ़ते हैं, उनमें फिजिकली ग्रोथ होता है, उनके शारीरिक जो होती है शारीरिक वृद्धि होती है। जैसे आपके मथी, आप खुद हो, आप सबसे पहले शुरू में एक छोटे से बेबी होते हो, फिर एक छोटे से बॉय हो, फिर कुछ दिन बाद आप एडल्ट बनोगे, फिर उसके बाद ओल्ड मैन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से आपका फिजिकली ग्रोथ हो रहा है, यानी कि सबसे पहले आप बच्चे थे, फिर एक लड़के के रूप में, शिशु के रूप में, लड़के के रूप में, फिर थोड़ा सा आप गलती किशोरावस्था में जाओगे, फिर उसके बाद आप बूढ़े होगे, बुढ़ापे में जाओगे। तो ये आपके ग्रोथ की निशानी है। ठीक जस्ट उसके उल्ट अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, वो जैसे हैं जिस साइज के हैं वो उसी साइज के रहेंगे, चाहे उन पर कितना भी आप पानी दो, कुछ भी। जैसे आप एक अपना कार, टॉय कार ले लो, टॉय कार को आप दुकान से खरीद के उस दिन से आप उसको पानी देना शुरू करो, वो आप कितना भी दिन पानी दो, वन ईयर लेटर आप देखो टॉय कार उसी साइज का रहे, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। लास्ट नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स इन दे कैन फील, यानी कि लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स जो है वो महसूस कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम आपको मारें या पीटें तो आपको दर्द महसूस होगा, आपको चोट लगेगी, तो इस एक इस चीज़ की निशानी है कि आप फील कर रहे हो। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है दे कैन नॉट फील, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। अगर आप अपने टॉय कार को उठा के पटक भी दो तो वो नहीं फील करेंगे, उन्हें चोट नहीं लगेगी, वो रोएंगे नहीं। यही जो तीन चार डिफरेंस है जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में है, जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको होमवर्क देंगे।